नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बाबिता। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर बिहार के बेतिया में लौरिया में स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में 8 साल का बच्चा समेत 3 की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि अपने 8 साल के बच्चे का इलाज कराने के लिए ले जा रहे थे परिजन, तभी अचानक बेतिया की तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जिस पर मौके पर ही बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची लौरिया थाना की पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक और स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। मौके से स्कॉर्पियो का ड्राइवर फरार हो गया है, जिसकी तलाश में लौरिया थाना की पुलिस जुट गई है। तो बिहार के बेतिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे बिहार के बेतिया में लौरिया में स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना में 8 साल का एक बच्चा भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 8 साल की बच्चे की मौत हुई है। 8 साल के बच्चे के साथ ही 3 लोगों की और मौत हुई है। तो 8 साल के बच्चे को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था अस्पताल, लेकिन उसी समय तेज रफ्तार से एक स्कॉर्पियो आई और उसने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 की मौत मौके पर ही हो गई। तो बेतिया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने बाइक सवारों को टक्कर मारी, जिसमें 8 साल के बच्चे के साथ ही 3 लोगों की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनीत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या है पूरी खबर? जी, मैं आपको बता दूं कि एक बाइक सवार 3 लोगों को बैठा के बेतिया की तरफ जा रहा था और लौरिया के मठिया चौक पर यह घटना हुई है। स्कॉर्पियो से सीधी टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें एक 8 वर्ष का बच्चा भी शामिल है और पति पत्नी शामिल हैं। जी, तो दिलीप, बताया जा रहा है कि इलाज के लिए बच्ची को ले जाया जा रहा था। जी, इलाज के लिए GMCS बेतिया लेकर जा रहे थे और इसी दरमियान जैसे ही घर से अब 2-3 किलोमीटर दूर गए हुए थे, तभी लौरिया में एक मठिया चौक है थाना से ठीक पहले, वहीं पे यह दुर्घटना हुई है। घटना होने के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और मृत लोगों को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया अस्पताल भेजा गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए दिलीप। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आज वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे वो जायजा। तो आज वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का पूरा जायजा लेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का भी करेंगे स्थलीय निरीक्षण। दोपहर अक्षय पात्र किचन में 50 बच्चों के साथ करेंगे बातचीत। वहीं 7 जुलाई को वाराणसी आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो इसी कार्यक्रम को लेकर आज वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 7 जुलाई को वाराणसी आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और उसी के कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे। इसी के साथ ही किचन में 50 बच्चों के साथ वो बातचीत भी करेंगे। तो 1:30 बजे वो वाराणसी पहुंचेंगे, जहां पर सीएम योगी आज पूरे कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे। वहीं 7 जुलाई को वाराणसी के दौरे पर है पीएम नरेंद्र मोदी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या है पूरी खबर?
देखिए पूरी खबर की बात ये है कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री का तकरीबन 1.5 घंटे का दौरा होना है और इस दरमियान वो करीबन 33 परियोजनाएं हैं जिनको वो लोकार्पित करेंगे और उसके अलावा 13 परियोजनाएं हैं जिनका वो शिलान्यास करेंगे। इन तमाम योजनाओं और परियोजनाओं की क्या वास्तुस्थिति है और क्या जमीनी हकीकत है, कैसे वो पूरी तरह से सही समय पर पूरी हो जाए, इसको लेकर के सीएम योगी आज दोपहर में 1.5 बजे के बाद वाराणसी पहुंचेंगे। तकरीबन 3 घंटे का उनका प्रवास होगा वाराणसी का, उसके बाद 4 बजे के आसपास वो वापस चले जाएंगे। सर्किट हाउस में मीटिंग होगी, इसके अलावा जहां जहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम प्रस्तावित है, जैसे सिग्रा स्टेडियम में एक छोटी सी जनसभा है, उसके अलावा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, जो अक्षय पात्र योजना के तहत जो एक किचन चलाया जा रहा है, कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है बच्चों के लिए, इन तमाम जगहों का निरीक्षण करने के बाद सीएम दोपहर के बाद वापस चले जाएंगे और अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर से होंगे और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद ये उनका पहला दौरा है वाराणसी का और इस पहले दौरे को लेकर के तमाम तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हो, पूरी तरह से पुख्ता हो, इसको लेकर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि और उनके साथ साथ में दो और मंत्री भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, उनके साथ में दो उनके विभागों के काम है उसको वो समीक्षा करेंगे और करीबन 3 घंटे का प्रवास सीएम योगी का आज रहेगा। कुल 46 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास होना है। ज्यादातर परियोजनाएं इसमें शहरी विकास से जुड़ी हुई हैं, स्मार्ट सिटी से जुड़ी हुई है, तो ये जो पर्यटन की दृष्टि से जो लगातार वाराणसी में जो संभावनाएं बढ़ती जा रही है, खास करके काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद, तो कई पर्यटकों के को लेकर के भी कई सुविधाएं शुरू की गई है। उसके अलावा जो आम बनारसी हैं उनके लिए अलग तरीके का जो बाजार है, जैसे कैंट स्टेशन के सामने रात्रि बाजार हो गया या 10 अश्वमेध प्लाजा है 10 अश्वमेध घाट के पास, इस तरह की तमाम परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जाना है। 1300 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण होना है, तो एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं और उसी की तैयारियों के बाबत सीएम योगी का आज ये दौरा है। इससे पूर्व भी पिछले हफ्ते सीएम योगी आए थे और 2 दिन का प्रवास करके उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया था। तो पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर स्थल पे क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है? देखिए पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर के जिस तरीके से अभी माहौल है उदयपुर की घटना के बाद से, सुरक्षा एजेंसियों की अगर बात करें तो जो प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं और आज से उन्होंने बकायदा जो इलाका है, जो क्षेत्र है जहाँ प्रधानमंत्री जहाँ जा सकते हैं संभावित जहाँ उनका कार्यक्रम, क्योंकि प्रधानमंत्री का कोई प्रोटोकॉल ऑफिशियली नहीं आता है, मिनट टू मिनट नहीं आता है, तो जो संभावित कार्यक्रम स्थल है उनको बकायदा एनएसजी की टीम ने अपने कस्टडी में लिया हुआ है और बकायदा वहां पे जितना भी पूरा इलाका है वो सैनिटाइज करने का धीरे धीरे काम किया जा रहा है। 4 स्तरीय कुल सुरक्षा होगी जिसमें एनएसजी के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों के अलावा जो स्थानीय उत्तर प्रदेश की पुलिस है और जो कमिश्नरेट पुलिस है वो सुरक्षा का जिम्मा उठाएंगे और किसी तरह की कोई अपनी घटना न हो, पूरे सुरक्षा के तहत पुख्ता इंतजाम हो, साथ ही साथ प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान किसी तरीके के आम लोगों की दिक्कत न हो आवाजाही में या किसी रास्ते की वजह से, उसको लेकर के जो स्थानीय प्रशासन है वो तैयारियों को पूरा करने में जुटा हुआ है। जो बिल्कुल अगला सवाल मेरा यही था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो वही आवाजाही को लेकर ही मेरा आपसे सवाल था कि क्या कुछ जो है रास्तों को डाइवर्ट किया गया है? निश्चित तौर पे देखिए 7 तारीख को कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का और जहाँ जहाँ कार्यक्रम, जैसे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से लेकर के सिग्रा स्टेडियम तक, यानी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा बाबतपुर से, वो आएंगे हेलीकॉप्टर से और उसके बाद सड़क मार्ग से वो सिग्रा स्टेडियम आएंगे। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का वो पैच है और 20 से 25 मिनट तकरीबन उनके काफिले को गुजरने के पहले और बाद में वो उस रास्ते को बंद किया जाता है, तो उस दरमियान कैसे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा, दुकानों पे सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जाएंगे, जो सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं उसको चेक किया जा रहा है, तो ये तमाम सुरक्षा इंतजाम जो एहतियातन किए जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का तकरीबन अगर कहा जाए तो 3 दर्जन से ज्यादा मौकों पर वो यहाँ दौरा वाराणसी का दौरा कर चुके हैं। यहाँ पे लगातार इस तरीके से कार्यक्रम होते रहे हैं कि प्रधानमंत्री अक्सर रात में निकलते थे लेकिन ये दिन का कार्यक्रम है, तो ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो इसको देखते हुए जो रूट डाइवर्जन से लेकर के तमाम चीजें हैं वो प्रशासन अपने प्लानिंग में लगा हुआ है और इन सब तमाम चीजों की, तमाम बिंदुओं की जो समीक्षा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी समीक्षा बैठक में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर जो लखनऊ से आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में तबादलों पर सवाल उठ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने तबादलों की सूची तलब की है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक और अपर मुख्य सचिव अमित मोहन में ठनी हो गई है। ब्रिजेश पाठक ने तबादलों के कारणों का मांगा विवरण। तबादलों पर कर्मचारी संघ ने उठाए थे सवाल। तो लखनऊ से डॉक्टरों का हुआ तबादला लेकिन उनकी जगह नहीं की गई तैनाती। तो बड़ी खबर, अपर मुख्य सचिव अमित मोहन ने तबादलों को नियमानुसार माना। तबादलों पर कर्मचारी संघ ने उठाए थे सवाल।
लखनऊ में डॉक्टरों का हुआ तबादला, लेकिन उनकी जगह किसी को तैनात नहीं किया गया, ये उठे हैं सवाल। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, क्या है पूरी खबर? बबीता देखिए, ट्रांसफर सीजन की शुरुआत हुई थी और उसमें बड़े पैमाने पर सभी विभागों में तबादले किए गए और उसी के नतीजे जो है स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े पैमाने पर तबादले जो है वो किए गए हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टरों को इधर से उधर किया गया है, लेकिन जिस तरीके से डिप्टी सीएम प्रदेश पाठक का जो एक लेटर आया है उसमें कहीं ना कहीं इस बात से सवाल निशान उठा दिए हैं कि क्या स्वास्थ्य विभाग के अंदर नियमानुसार जो तबादले होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। खुद डिप्टी सीएम है प्रदेश पाठक, जिनके पास चिकित्सा स्वास्थ्य एवं इन दोनों ही विभागों की जो है चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य दोनों विभागों की जिम्मेदारी है और उन्होंने अब विभाग के जो एसीएस हैं अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद उनको लेटर लिख के बकायदा सख्त लहजे में उनसे पूछा है कि जो तबादले किए गए हैं उसमें जो नियम है उनका पालन किया गया है, किस आधार पर तबादले किए गए हैं, उसकी जो सूची है तबादलों की उसको भी तलब किया है। यानी कह सकते हैं कि जो अमित मोहन प्रसाद है और जिस पाठक दोनों के बीच में अब जो है वो जंग छिड़ी हुई है और बात को लेकर अब कागजी कार्रवाई जो है वो साफ तौर पर देखने मिल रही है। तबादलों को लेकर जो कर्मचारी संघ है उसने भी सवाल उठाए थे और उसने कहा गया था कि जो मानक है जिनके अनुरूप तबादले होने चाहिए थे उस मानक के अनुरूप तबादले नहीं किए गए हैं। ब्रजेश पाठक ने जो पत्र लिखा है उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर पूछा है कि ऐसी कई जगह पर शिकायतें आई हैं जहां पर इस तरीके के जो नियम है उनका पालन नहीं किया गया है। राजधानी लखनऊ में चूंकि आसपास के जिलों से भी जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनको यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, उनको यहाँ पर रिफर किया जाता है, तो वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस बात के बावजूद भी जो यहाँ के मेन जो जिला अस्पताल हैं वहाँ के डॉक्टरों को दूसरे जिलों में भेज दिया गया और कोई दूसरे डॉक्टरों को यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जबकि पहले से ही लखनऊ में ही डॉक्टरों की बड़ी संख्या में कमी है। तो ऐसे में उन डॉक्टरों को दूसरे जिलों में भेजना यानी कि लखनऊ में के अस्पतालों में और भी डॉक्टरों की कमी हो जाएगी। तो इन सभी चीजों को लेकर जो है वो स्वास्थ्य मंत्री ने सवाल तलब किए हैं, लेटर लिखा है, देखना होगा अपर मुख्य सचिव की तरफ से जो अमित मोहन प्रसाद उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। हालांकि उनका कहना है कि जो जानकारी है उसके मुताबिक कि जो तबादले हुए हैं उसमें डिप्टी सीएम का अनुमोदन लिया गया है, जो नियम है उनका पूरी तरह से पालन किया गया है। अब देखना होगा जांच में इन सभी बिंदुओं पर क्या चीजें निकल कर सामने आती हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि अब एक बड़ा कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि जो नियम थे मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर निर्देश जारी किए थे कि नियमानुसार ही ट्रांसफर जो है वो सभी के होने चाहिए, तो क्या उनकी अनदेखी की गई है, इन सभी चीजों की जांच के जो आदेश है वो देखना होगा कब तक होते हैं। और उसके बाद जो डिप्टी सीएम ने जो पत्र लिखकर पूरी रिपोर्ट तलब करी है उसमें देखना होगा कि ऐसे क्या रिपोर्ट जो है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियम, जिस तरह से आपने बताया क्योंकि लखनऊ में पहले से ही डॉक्टरों की कमी और उसके बाद तबादले कर देना तो अपने में ही बड़े सवाल खड़े कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर गोंडा में टायर की दुकान में लगी भीषण आग, धू धू कर जली दुकान से मची अफरा तफरी। तो बड़ी खबर आ रही है जहां पर गोंडा में टायर की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी भीषण ये आग है, आग की लपटों में पूरी टायर की दुकान। डीएम आवास से चंद कदम की दूरी पर लगी है ये आग। वहीं पर रिहायशी इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो दुकान जली है, आग की लपटों में पूरी दुकान दिखाई दे रही है, कितनी भीषण ये आग है। आपकी तस्वीर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। वहीं डीएम के आवास से कुछ ही दूरी पर है ये दुकान। वहीं दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमा, क्या है पूरी खबर, कैसी आग लगी? जी बबीता, ये नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है, सिविल लाइन इलाके का। डीएम बंगले से चंद कदम की दूरी पर एक टायर की दुकान है जिसमें रात करीब 11 बजे अचानक आग लग गई और इतनी भीषण आग थी कि आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। तत्काल इसकी सूचना जो है वो फायर ब्रिगेड को दी गई और फायर ब्रिगेड ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया और आग बुझाने में सफलता हासिल की। इस दौरान जो है गोंडा लखनऊ हाईवे पूरी तरह
आवागमन रोक दिया गया। और अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन वहां पर नगर कोतवाली की पुलिस जो चंद ही कदमों की दूरी पर कोतवाली स्थित है, पुलिस वहां पर करीब घंटे भर बाद पहुंची, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही रही। हालांकि वहां पर स्थानीय लोगों ने लोगों को रोका और ये ट्रैफिक को जो है नियंत्रित कराया। जी जी, जिसका कारण क्या है, आग लगने के कारणों का कुछ पता चल पाया है? जी देखिए, अभी आग लगने के कारण का कुछ पता नहीं चल पाया। फिलहाल जो नुकसान हुआ है वो टायर की दुकान थी, उसमें हजारों रुपए के टायर रखे हुए थे और वो सारे जलकर जो है वो नष्ट हो गए हैं। अब उसकी क्षति का जो है आकलन किया जा रहा है, साथ ही साथ जो आग के लगने का कारण है उसका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जी जी, जिस तरह से देखा जा रहा है डीएम आवास चंद कदम ही दूर था, तो पुलिस प्रशासन तो वैसे ही अलर्ट रहती है, लेकिन आपका ये कहना है कि लापरवाही देखी गई है, काफी घंटों बाद पुलिस पहुंची है, उन पर कुछ कार्रवाई? जी बिल्कुल, देखिए ये पुलिस की सीधी लापरवाही है। जैसे ही आगजनी की घटना हुई तत्काल पुलिस को स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दी थी, लेकिन पुलिस वहां पर करीब घंटे भर बाद पहुंची। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर तुरंत पहुंच गई और फायर कर्मियों ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो है वो आग बुझाने में सफलता हासिल की। कार्रवाई की बात करें तो अभी इसमें कहीं कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है। फिलहाल अभी जो नवागत एसपी हैं वो भी अभी तक जिले में नहीं आए हैं और अब ये देखने वाली बात होगी कि जब एसपी आते हैं तो इस लापरवाही पर क्या कार्रवाई करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो आगरा से आ रही है, जहां पर गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद संपत्ति को कुर्क किया गया, आगरा से बड़ी खबर। शैलेंद्र नाम के आरोपी पर दर्ज थे कई मुकदमे, चोरी और अन्य अपराध करके काली कमाई पर जो है उसने संपत्ति बनाई थी, जिसे अब कुर्क कर लिया गया है। तो शैलेंद्र नाम के आरोपी पे पुलिस का शिकंजा, गैंगस्टर एक्ट के बाद शैलेंद्र की लाखों की संपत्ति को सील कर लिया गया है। वहीं सीओ खेरागढ़ और तहसीलदार के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। आरोपी के पिता है समाजवादी पार्टी में पदाधिकारी, तो गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। वहीं आरोपी के पिता समाजवादी पार्टी में पदाधिकारी है। थाना इरादतर नगर क्षेत्र के गांव पनोता का यह मामला है, जहां पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। शैलेंद्र पुत्र राधेश्याम, ग्राम पनोता, थाना इरादत नगर, इसके विरुद्ध कई मुकदमे पंजीकृत किए गए थे, जिसमें चोरी का मुकदमा और गैंगस्टर का मुकदमा भी पंजीकृत था, जिसके तहत इसमें पुलिस के द्वारा गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। 14 बन संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के यहाँ प्रसिद्ध की गई, जिसपे जिलाधिकारी महोदय ने भवन जो उनका हमने अपनी अर्जित संपत्ति जो अभी संपत्ति कमाई थी उसे बनाया था, उसको कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 25 से 30 लाख आकी गई थी, उसे आज कुर्क किया गया है। तहसीलदार महोदय मजिस्ट्रेट रूप में यहाँ पर है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मयंक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, क्या है पूरी खबर? देखिए, बता दें कि आगरा पुलिस लगातार कार्यवाही के तौर पर अगर आपराधिक मामलों पर देखा जाए तो तमाम कार्रवाई सामने करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो अपराध करने के बाद जेल चले गए हैं उसके बाद जो गैंगस्टर की कार्रवाई इस आरोपी के खिलाफ हुई है, जिसका नाम शैलेंद्र है और जो कि एक सपा नेता का पुत्र है, जिसका चोरी और तमाम मुकदमों में पहले से तमाम मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसको लेकर गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद जिलाधिकारी के आदेश के बाद आगरा की खेरागढ़ सीओ के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें थाना सैया व इरादत नगर पुलिस के एसएचओ के माध्यम से कार्रवाई हुई है, जिसमें अपराधी शैलेंद्र के खिलाफ देखा जाए तो अवैध कमाई से जो अर्जित संपत्ति थी उसको कुर्क किया गया, जिसकी कीमत आकलन लगभग 27 लाख रुपए का मकान और अन्य सामान जो पुलिस ने बरामद किया है वो बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है योगी सरकार की ये पुलिस एक साफ संदेश अपराधियों के लिए देना चाहती है, जिससे कहीं ना कहीं अपराधियों में खौफ और भय पैदा हो सके। जी जी, कहा जा रहा है कि शैलेंद्र के नाम पर चोरी और अन्य अपराध भी हैं और वहीं पर इसके सपा के साथ भी लिंक है। देखिए, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसके जो पिता हैं राधेश्याम, जो लगातार समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं और तमाम चुनावों में गतिविधियां इनकी सामने आती रही हैं, और कहीं ना कहीं एक पुत्र जो है आपराधिक मामलों में दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सपा समाजवादी पार्टी की छवि को भी धूमिल करते दिखाई दे रहा है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाद में ये जानकारी दी है कि जो राधेश्याम है, जो अपराधी के पिता है, वो समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के पद पर भी तैनात है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक सीधे तौर पर एक भय और एक खौफ
ठहराने वाले अपराधियों के खिलाफ संपत्ति कुर्क की ये कार्रवाई एक बड़ा उदाहरण इरादत नगर और सैया पुलिस का है जो कि सीओ के नेतृत्व में की गई है। जी, संपत्ति क्या यही कुर्क की जा रही है या आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी उन पर? देखिए, फिलहाल आपको बता दें कि जो पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई, जो ग्राम प्रधान और तमाम जो सूत्रों के हवाले से इनको जो पता चला कि लगभग इस अपराधी ने ये जो मकान बनवाया था या जो सामान खरीदा गया था वो काली कमाई से खरीदा गया था, तो उसी के बिहाफ पे रिपोर्ट बनाकर अगर देखा जाए तो ये संपत्ति कुर्क की गई है। आगे भी अगर इस तरह की कोई जानकारी मिलती है तो पुलिस उस पर भी कार्रवाई करेगी। जी, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है? देखिए, पुलिस ने की अगर बात की जाए तो सीओ खिरागढ़ मौके पर मौजूद रहे, साथ में तहसीलदार मौके पर मौजूद रहे। सीओ खिरागढ़ के द्वारा बताया गया है लगभग 37 लाख रुपए की संपत्ति वाला ये मकान जो है काफी बड़ा है और देखने में देखा जाए तो काफी बड़ा है और उसको कुर्क भी किया गया है। तो इसके बाद जो है परिवार को बाहर करके पूरे मकान पर सीज की कार्रवाई की गई है और उसको राजस्व विभाग के अंतर्गत रखा गया है। इसका भविष्य में परिवारिक जनों के द्वारा कोई भी प्रयोग नहीं लिया जा सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए मयंक। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत आज संपत्ति को कुर्क किया गया है। आरोपी के पिता समाजवादी पार्टी में पदाधिकारी भी है। आगरा में ये कार्रवाई की गई है जहां पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। शैलेंद्र नाम के आरोपी पर दर्जनों भर आपराधिक मामले भी है, तो उसी के बाद से इसको कदम उठाते हुए आज उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। वहीं देवरिया जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग के सदस्य की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने लार थाना के हिस्ट्री शीटर की 13,56,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। तो देवरिया में अवैध रूप से खड़ी संपत्ति पर आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। हिस्ट्री शीटर पर पुलिस ने शिकंजा कसा है, संपत्ति को कुर्क कर लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।